हेलो फूडीज़, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी लेकर। आज मैं आप लोगों के साथ मुंबई के मशहूर वड़ा पाव की सूखी चटनी, लहसुन की जो चटनी आती है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही क्विक एंड ईजी है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने गैस पर स्लो फ्लेम पर एक पैन गर्म करने के लिए छोड़ दिया। इसमें हम 15 कली लहसुन की डालेंगे जिसको हमें छिलके समेत लेना है। अब यहाँ पर उससे आधा 7 कली हमने सूखी मिर्च के लिए जिसके डंठल निकाल लिए, तो बीज इसमें रहने दिए ताकि तीखापन आ सके। अब इसको स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, रोस्ट करते वक्त आपकी गैस की फ्लेम एकदम स्लो होनी चाहिए, नहीं तो आपके लहसुन और मिर्च जल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसे रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे जो हमने वड़ा बनाने का जो बैटर होता है वो मैंने लिया है, तो बेसन के अंदर पानी, नमक और हल्दी डाल के गाढ़ा बैटर बना लिया था। अब यहाँ पर तेल गर्म करने के लिए छोड़ दें। बेसिकली हमें यहाँ पर इसकी नमकीन बूंदी चाहिए होगी, जो किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पे सोडा नहीं डाला है, इसकी बजाय हम यहाँ पे गरम तेल डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑयल चेक कर लेंगे, तो ऑयल आ चुका है। बस इसी तरीके से रफली किसी भी शेप का हमें इसमें से बूंदी बना लेनी है, कुछ इस तरीके का। ये चटनी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है, टेक्स्चर देती है, तो एक बार घर पर ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो बस अब इसको निकाल लेंगे हम। ये ऐसे ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, किस किस को ये पसंद है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो लीजिए तैयार है, इसको रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर मिक्सी जार में हम करीबन इसमें से 1/4 कप जितना लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे लहसुन और सूखी मिर्च जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके डाला था, बीज समेत ही हमें डालना है। अब इसके अंदर डालेंगे ड्राई रोस्ट की हुई मूंगफली, तो करीबन 1/4 कप जितनी मूंगफली है जिसको ड्राई रोस्ट कर दिया था, उसके छिलके हटा लिए थे। अब 2 टेबलस्पून जितना नारियल का बुरादा डालेंगे, कोकोनट पाउडर डालेंगे। फिर इसके अंदर डालेगा कलर के लिए 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो 1 टेबलस्पून जितना हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका टेक्स्चर टेस्ट कितना बढ़िया आपको मिलेगा। तो लीजिए तैयार है हमारी मुंबई की मशहूर वड़ा पाव की सूखी चटनी। अगर वीडियो किसी भी कारण से पसंद आया ना, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन को जरूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।